I am a big fan of Hindu, and I am a big fan of India. Big, big fan. Big, big fan. I am a big fan of Hindu. I am a big fan of India. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भले ही 2016 का हो, लेकिन इसकी अहमियत आज भी अमेरिका में दिखाई दे रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में दो अनअपोलोजेटिक हिंदुओं को बेहद अहम पोजीशंस दी हैं। और ये दो अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी। अब हम इन दोनों को भी अनअपोलोजेटिक हिंदू क्यों कह रहे हैं, इसके कारण भी बेहद साफ है, क्योंकि दोनों ही भले ही क्यों ना अमेरिका के इतनी टॉप पोजीशन पर हैं, लेकिन फिर भी अपनी सनातनी धार्मिक आइडेंटिटी से भागते नहीं है। जिस भी मंच पर और जहां भी जरूरत पड़ती है, वहां दोनों ही बड़े ही गर्व से अपने हिंदू होने का बखान भी करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में दो अनअपोलोजेटिक हिंदुओं के बारे में। देखिए पूरा वीडियो। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तुलसी गबार्ड का नाम तो आपने अक्सर सुना ही होगा, वहीं इनके कई सारे वीडियोस भी थे जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते थे। तो इन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है। ये पद इतना पावरफुल है कि अब अमेरिका की सभी खुफिया एजेंसियों को संभालेंगी। हालांकि तुलसी गबार्ड का यहाँ तक का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। वो 2013 से 2021 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस वुमन थी, लेकिन 2022 में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और फिर रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसका हिस्सा बन गई। तुलसी को उनके फैसलों के कारण अमेरिका की राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक यानी पॉलिटिकल वेदर एक्सपर्ट भी कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले पार्टी बदलने की उनकी चाल ने ट्रंप का भी ध्यान खींचा। ये थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसे भारत में एक नेता को जिस पार्टी की सरकार बनती दिखाई देती है वो उसमें शामिल हो जाता है। आपको बता दें तुलसी गबार्ड का भारत के साथ एक खास कनेक्शन है। उनकी माँ हिंदू है, वहीं उन्होंने अपने बच्चों को भी हिंदू नाम दिए हैं। इसी कारण से तुलसी भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और उसे गर्व से अपनाती है। और यही नहीं, तुलसी गबार्ड के अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते दिखाई देते हैं जिसमें वो हरे कृष्णा का भजन गाते हुए नजर आती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें इस पद के लिए चुनते वक्त कहा कि तुलसी अपनी निडरता और नए विचारों से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में बड़ा बदलाव लाएंगी। ये बताता है कि तुलसी अपने विश्वासों को लेकर कितनी मजबूत हैं और उन्हें कैसे अपनी हिंदू पहचान पर गर्व है। अब बात करते हैं विवेक रामास्वामी की, जिन्हें ट्रंप ने गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। ये पद किसी भी सरकार को स्ट्रीमलाइंड और कम खर्चीला बनाने में अहम भूमिका निभाता है। विवेक केरल के एक इमिग्रेंट भारतीय परिवार से आते हैं और उनकी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से शहर ओहायो से हुई। विवेक ने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई की है और उन्होंने उनके दम पर बायोटेक की फील्ड में करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक रामास्वामी का एजेंडा है अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी और अननेसेसरी खर्चों को कम करना। वो कई एजेंसियों को बंद करने की वकालत भी करते हैं ताकि सरकार ज्यादा एफिशिएंट बने। उनके प्लान में FBI, शिक्षा विभाग और कई डिपार्टमेंट्स को बंद करने का सुझाव शामिल है। ट्रंप के इस सेव अमेरिका कैंपेन में विवेक का रोल बहुत अहम रहा है। विवेक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि वो नरमी से पेश नहीं आने वाले और ट्रंप की कैबिनेट में वे पूरी अग्रेसिवनेस के साथ काम करेंगे। अब यहाँ तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी का जो भारत के प्रति प्यार है वो तो छुपा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी भारत के प्रति प्यार सभी को दिखाई दे रहा है, चाहे वो मोदी के साथ उनकी दोस्ती हो या उनके द्वारा भारत और हिंदू धर्म की प्रशंसा। ट्रंप का ये कदम एक बार फिर इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। तुलसी और विवेक जैसे हिंदू चेहरों की कैबिनेट में मौजूदगी भारत अमेरिका रिश्तों को और मजबूत कर सकता है, जिससे वर्ल्ड लेवल पर भारत को एक नया सपोर्ट और ताकत मिलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी की इन हाई पोजीशन को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।